संडे हो जा मंडे रोज़ खाओ अंडे। यह मशहूरी असी कई बार वेखी है अते इस मशहूरी दे विच अंडा खाने के लिए लोगों उत्साहित किया जाता है। सत श्री अकाल जी बाई जी पंजाबी ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा दोस्त अवतार सिंह कंबोज। अंडे नूं बहुत ही पौष्टिक मन्या जाता है अते अपने भोजन दे विच इस नूं इस्तेमाल करन दी वख-वख माहरां दे वल्लों सलाह दी जाती है। अज इस वीडियो दे विच असी जिथे अंडे दे गुणां दे जिक्र करांगे उत्थे ही अंडा खाण दे फायदे अते नुकसान दा जिक्र भी करांगे अते इह भी जिक्र करांगे कि अंडे नूं उबालण दा सही तरीका की हो सकदा है, क्योंकि सानू कुछ दोस्तां दे वल्लों मैसेज किया गया अते दस्या गया कि अंडे नूं उबालण दा सही तरीका दस्या जावे अते अंडे दे गुण अते अंडे दे फायदे नुकसान दे बारे भी दस्या जावे। सो इस करके इह वीडियो बनाउण लगे आ। बने रहना अंत तक, जरूर देखना इस वीडियो नूं अते अंडे दे बारे जिन्नी कु जानकारी असीं तुहानूं देण दी कोशिश कर रहे हां उस नूं लैण दा यतन करना। अते जेकर तुसीं अंडा खाणा पसंद करदे हो तां फिर अंडे दे बारे भरपूर जानकारी हासिल करो अते अपने भोजन दे विच अंडे नूं जरूर शामिल करो। तो चलो फिर आप हुण शुरू करते हैं। भोजन दो प्रकार का हुंदा है, एक शाकाहारी अते एक मासाहारी। हुण अंडे नूं एक वर्ग शाकाहारी भी दसदा है अते एक वर्ग मासाहारी भी दसदा है। मासाहारी वर्ग तो अंडे नूं खांदा ही खांदा है, इस दे नाल ही कुछ लोग अजिहे भी हन जो मांस मच्छी तो नहीं खांदे लेकिन अंडे का सेवन जरूर कर लैंदे ने। अंडे नूं बहुत ही पौष्टिक मन्या जाता है। इसकी पौष्टिकता की महत्ता देखदियां होया हर साल अक्तूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को संसार अंडा दिवस भी मनाया जाता है अते यह दिवस मनाने का मकसद भी यही है कि अंडे के बारे वध तो वध लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग अपना सेहतमंद जीवन गुजार सकन, अपने भोजन के विच अंडे का इस्तेमाल कर सकन। अंडे दे विच बहुत ही जरूरी इहो जिहे तत्व हुंदे हन जो साडे शरीर नूं बनाए रखण दे लई, साडी तंदुरुस्ती नूं बनाए रखण दे लई बहुत ही जरूरी हुंदे हन। अंडे का सेवन जिथे सानू रोजाना साडे शरीर की ऊर्जा देण दे विच सहाय हुंदा है उत्थे ही साडी इम्यूनिटी नूं भी बूस्ट करदा है, इम्यूनिटी नूं भी वधा दिंदा है। अंडा साडी चमड़ी दे लई भी बहुत वधिया हुंदा है, चमड़ी नूं जिथे निरोग बनाए रखण दे विच मदद करदा है उत्थे ही साडी अखां दी रोशनी नूं भी बरकरार रखण दे विच मदद करदा है। अंडे दे विच मौजूद कैल्शियम साडी हड्डियां नूं मजबूत बनाने का काम करता है। इस दे नाल ही अंडे दे विच वख-वख प्रकार के जो तत्व हुंदे हन वो दिल दीआं बीमारियां नूं भी घट करन दे विच सहाई सिद्ध हुंदे ने। इस दे नाल ही अंडा जिथे आयरन की कमी नूं दूर करता है उत्थे ही अंडा हड्डियां नूं मजबूत करन दा काम तां करदा ही करदा, इस दे नाल ही भार नूं घट जां भार नूं संतुलित रखण दे विच भी मददगार साबित हुंदा है। अंडे दे विच बहुत ही उपयोगी तत्व होंदे हन जो साडे शरीर दे लई बहुत कम वालियां चीज़ां ने, जिस दे विच आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैगनीशियम अते अंडे दे विच विटामिन, कई प्रकार के विटामिन भी होंदे हन, ओमेगा 3 होंदा है। इसे तरह प्रोटीन की भरपूर मात्रा अंडे दे विच पाई जाती है। जेकर तुसी अंडे नूं अपने सवेर दे भोजन दे विच शामिल करोगे तो दिन भर तुहाडे शरीर दे विच ऊर्जा बना के रखदे ने। हुण इह तां हो गए अंडे दे फायदे, अंडे दे गुण जां अंडे दे विच किहड़े-किहड़े तत्व होंदे हन। आम तौर के उपर लोग अंडे भुर्जी बना के खाना पसंद करते हैं, आमलेट बना के खाना पसंद करते हैं, ही अंडे उबाल के खाना भी पसंद करते हैं। अंडे समझा जाता है कि उबाल के खाना सब तो ज़्यादा फायदेमंद होंदा है। हुण जेकर असी अंडे उबाल के खाना है तो अंडा उबालन समय की सावधानी बरतनी चाहिए है ताकि अंडे पूरी तरह वधिया तरीके दे नाल पकाया जा सके, उसके बारे दे विच विशेष करके यह वीडियो है। कई लोगों की शिकायत होंदी है कि अंडा उबालन तो बाद जो अंडे छिलदे हन तो अंडा प्रॉपर तरीके दे नाल सही ढंग दे नाल नहीं उबलदा अते छिलण समय छिलण दे वक्त अंडा वेस्ट हो जाता है। हुण अंडा सही तरीके नाल उबल जाए अते अंडे उबालन तो बाद जो असीं छिलदे हाँ तो साबत अंडा निकले, इस दे लई तुहानूं करना की पवेगा, सावधानी की वरतनी पवेगी। जेकर तुसी अंडा उबाल के खाने के इच्छुक हो तो इस दे लिए सब तो जरूरी गल ये है कि अंडा खरीदते समय दुकानदार नूं कहो कि स्टॉक वाले अंडे दिते जाण। स्टॉक वाले अंडे का मतलब है कि अंडा अज का फ्रैश अंडा ना होवे बल्कि कम से कम 2 दिन पुराना अंडा होवे। जेकर 2 दिन पुराने अंडिया उबालिया जाएगा तो बेहतर तरीके दे नाल उबल जाते हैं, क्योंकि फ्रैश अंडिया उबालना उन्ना आसान नहीं हुंदा जिन्ना 2 दिन पुराने अंडिया उबालना हुंदा है। हुण जेकर तुसी दुकानदार कोलों स्टॉक वाला अंडा मंगदे हो अते दुकानदार तुहानूं फिर भी फ्रैश अंडे दे दिंदा है, क्योंकि जेकर दुकानदार कोल स्टॉक वाले अंडे मौजूद नहीं होणगे उस कोल जिहड़े भी होणगे उह तुहानूं दे देवेगा, अते तुसी हुण करना की है। अंडा उबालण दे लई सब तो पहली गल है कि अंडिया नूं जदों तुसी उबालना है तां कम से कम 4 अंडिया नूं उबालिया जावे। अंडा उबालण समय जिस भी भांडे दे विच जां जिस भी पतीली दे विच तुसी अंडिया नूं उबालना है उस दे विच पानी इस पद्धर तक पाया जाना चाहिदा है कि अंडे पूरी तरह पानी दे विच डुब जाण अते पानी दी लेयर अंडिया दे उपर तक आ जावे।
हुण जदों अंडियां नूं उबालण दे लई तुसीं गैस नूं ऑन करना है तां शुरू दे विच गैस दी फ्लेम हाई होनी चाहीदी है। याद यह भी रखना बहुत जरूरी है कि अंडे नूं उबालण दे लई छोटे बर्नर वाली गैस दे उपर ही अंडे उबाले जाण, क्योंकि आम तौर दे उपर एक गैस स्टोव दे उपर दो बर्नर हुंदे हन अते वड्डा बर्नर बहुत ज़्यादा आँच छड्दा है। इस करके आँच आपां नूं उन्नी ही चाहीदी है जिन्नी जरूरत हुंदी है, इस करके छोटे बर्नर दे उपर अंडे उबालण वाला बर्तन रख्या जावे। शुरू दे 5 मिनट तुसीं गैस नूं हाई फ्लेम दे उपर रखना है। आपां छोटे बर्नर दी गल कर रहे हां, जदों पानी गर्म हो जाएगा तां अगले 5 मिनट दे लई इस नूं फ्लेम नूं लो फ्लेम कर देना है। धीमी आँच दे उपर हुण 5 मिनट होर अंडियां नूं पकाए जाना है। कुल मिला के 10 मिनट हो चुके हन। हुण जदों धीमी गति दे उपर भी गैस 5 मिनट दे लई चलदी रहेगी तां उस तों बाद एक बार फिर हाई फ्लेम दे उपर गैस नूं कर देना है। हुण घट्टो घट 15 मिनट अंडियां नूं लगातार उबालते रहना है। 20 तो 25 मिनट अंडियां नूं उबालण दा समां लगता है। आम तौर दे उपर सर्दियां दे विच इह समां 30 मिनट तक भी लगाया जावे तां ज़्यादा बेहतर होवेगा। गर्मियां दे विच इह समां घटा के 15 तो 20 मिनट किया जा सकता है अते सर्दियां दे विच 25 तो 30 मिनट का सही समां लगता है अंडियां नूं सही तरीके दे नाल उबालण दे लई। हुण तुहाडे अंडे उबल चुके हन अते अंडियां नूं छिलण दी वारी है। हुण तुसीं करना की है, गर्म पानी दे विचों अंडियां नूं कढ के एकदम नॉर्मल पानी दे विच अंडियां नूं पा देना है। इस नाल की होवेगा कि उबलदे अंडियां दा टैंपरेचर बहुत ज़्यादा हुंदा है अते नॉर्मल पानी दा टैंपरेचर घट होवेगा अते एकदम वध टैंपरेचर तों घट टैंपरेचर दे विच अंडियां नूं रखण दे नाल इह चंगी तरह खुल जाणगे। हुण हल्का जिहा अंडियां नूं तुसीं सट मारनी है अते उस तों बाद इह अंडे आराम दे नाल खुल जाणगे अते शानदार तरीके दे नाल सोहणे गोल मटोल अंडे साफ सुथरे छिले जाणगे। सो इह है अंडियां नूं सही तरीके नाल उबालण दा तरीका। याद यह भी रखना बहुत जरूरी है कि अंडियां नूं चंगी तरह उबालिया जाए, क्योंकि अंडियां दे विच एक दो किस्म के बैक्टीरिया भी होंदे हन अते जेकर अंडियां नूं सही तरीके दे नाल नहीं उबालिया जाएगा तो यह बैक्टीरिया कित ना कित सेहत नूं खराब भी कर सकते हैं। सो यह कुछ टिप्स सन अते अंडे दे कुछ फायदे तुहानूं दसे हन अते अंडे नूं उबालण दा सही तरीका तुहानूं दसिया है। यह आम स्थिति वाली गल है, कुछ विशेष स्थितियां या परिस्थितियां दे विच किसी व्यक्ति नूं अंडा खराब भी कर सकता है। इस करके अंडे किन्ने खाने हन, कदों कदों खाने हन, इस दे बारे अपने डॉक्टर तों भी सलाह जरूर ली जाए। परंतु अंडा किसी भी वक्त खाधा जा सकता है। इस दे नाल ही अंडे नूं जेकर तुसी अपने सवेर दे भोजन दे विच इस्तेमाल करोगे तां इह वध फायदा दिंदा है। सो यह वीडियो वेख के अंडे नूं सही तरीके दे नाल उबालण दा तरीका देखण तों बाद तुसी अंडियां नूं उबाल के एक बारी कमेंट करके जरूर दस्यो। जेकर तुहानूं यह वीडियो पसंद आई होगी तो तुसी इस वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना भी ना भुलना अते जेकर तुसी बाई जी पंजाबी नूं पहली बार वेख रहे हो तो बाई जी पंजाबी नूं लाइक अते फॉलो करना भी ना भुलना। हुण सानूं दिओ इजाजत, तुसी बने रहो लगातार बाई जी पंजाबी जी दे नाल। धन्नवाद जी।